मॉर्निंग, वेलकम बैक। फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चंद्र इंस्टीट्यूट से। जिया मैं धर्मेश्वर। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे थे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइएगा, इज एवरीथिंग ओके, क्या सारी चीज़ें ओके हैं? जल्दी से बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग ओके, क्या सारी चीज़ें ओके हैं? लाइट, कैमरा, एक्शन, क्या सारी चीज़ें ओके हैं? जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा, इज एवरीथिंग ओके? लाइट, कैमरा, एक्शन, एवरीथिंग, यस। वी आर लाइव नाउ, फिर से हम लोग एक बार लाइव हो चुके हैं। बताइएगा सभी चीज़ें ओके हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन को। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया और पैसिव वॉइस में आपको बनाना है, ठीक है? द वॉइस ऑफ द ट्रैफिक, देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, यानी कि ट्रैफिक का, यातायात का जो शोर होता है वो मुझे जगाए रखता है, रखता था, है ना, पास्ट टेंस में रखता था। यानी सेंटेंस को देखें तो पास्ट एंड ऑफ में टेंस में आपको सेंटेंस दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखें, आई रिमेंड, रिमेन जैसा कोई वर्ड नहीं है, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर रिमेंड लगाना गलत है, ठीक है? और आपको मैंने बताया, जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो वहाँ पर बी का फॉर्म जरूर आएगा। पैसिव वॉइस जब भी होगा तो कई बार मैंने बताया पहचानने का तरीका, यहाँ पर या तो बी लिखा होगा एग्जैक्टली, या तो इज होगा, एम होगा, आर होगा, या क्या होगा, वाज होगा, या क्या होगा, वर होगा, या क्या होगा, बीन होगा। इनमें से कोई ना कोई टर्म प्लस इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखेगा। इसके अलावा पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो देख लीजिए, इनमें वाज वर कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। आई वर केप्ट, आई के साथ वर लगाया जाता क्या, नहीं लगाया जाता, गलत है। इस ऑप्शन पे चलते हैं, आई वाज केप्ट, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मी था, मी को सब्जेक्ट बनाया, क्या लिखा आपने, आई, और पास अंडरफिनेट था तो वाज का यूज कर लिया, केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये सब्जेक्ट था, इसको क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा, बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज बी। कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं, डी नहीं सही जवाब है। आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वो बी वाला आंसर आपका करेक्ट है, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, जिनका भी आंसर बिल्कुल आपका सही है, बी वाला आंसर जिनका भी है उनका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। You will have finished this work by tomorrow. अब आपको देखना है वही बात जो मैंने आपसे कही, कौन सी वाली बात, यहाँ पर ये आपको सर्च करना है, बी होगा, इज एम, इज होगा या एम होगा या आर होगा या वाज होगा या वर होगा या बीन होगा या तो बब का थर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए, यू विल हैव फिनिश, ये टेंस कौन सा है, पहले तो ये आपको टेंस आना चाहिए, ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस है। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, बाई टुमारो तो टाइम दिया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका दिस वर्क है। सब्जेक्ट बनाएंगे तो विल हैव को एग्जैक्टली रखेंगे, तो विल हैव बीन, यहाँ पर देखें यू विल हैव के बाद विल हैव एग्जैक्टली रखेंगे, तो विल हैव वाले जो सेंटेंस है वो सिर्फ दो हैं, पहला और दूसरा, देख लीजिए, ठीक है? फिर आपको देखना है दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, यहाँ तक ओके है, बाई टुमारो, यहाँ पर बाई टुमारो ही दिया है, यहाँ पर दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, तो यहाँ पर देखना है आपको बाई यू, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट में आपको नहीं दिया गया, ठीक है? तो बाई टुमारो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो बाई टुमारो लगाना आपका क्या होगा, ज़रूरी होगा या नहीं होगा, अब यहाँ पर आपको कैच करना है बाई टुमारो। मैंने आपसे कहा कोई भी टर्म फिनिश नहीं करेंगे, यहाँ पर बाई टुमारो तो यहाँ भी बाई टुमारो आप लगाएंगे, तो सही ऑप्शन जो होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, डी ही सही जवाब है। जिनका भी आंसर डी है, डी ही क्या हो, करेक्ट आंसर है, यस डियर स्टूडेंट्स, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, डी ही सही जवाब है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, यस डियर स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बार मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा है, एक बार सभी लोग अपने अपने लेवल पर क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने अपने लेवल पर डियर स्टूडेंट्स जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको फिलर करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है कि यहां पर क्या फिल किया जाए। जल्दी से आपको देखना है यहां पर क्या फिल कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से आपको बताना है। व्हेन आई मेट जॉन स्टरडे, जब मैं कल जॉन से मिला, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हिम सिंस क्रिसमस आई। अब देखें यहां पर, अब ये जो आपका टर्म बनता है ये आपका कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा जब एक क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो दूसरी जो आपकी होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। कहां पर होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी। तो यहां पर जो सही आपका टर्म बनेगा वो बनेगा हैड सीन हिम सिंस क्रिसमस, मैं उसे क्रिसमस में देखा था, जब मैं उसे मिला था तभी उसको क्रिसमस में देखा था। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरी क्लास किसे बनेगी, पास्ट परफेक्ट में। अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट दिस विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड का जो सही आंसर होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, इट्स थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन आपके। इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसमें आपका क्या दिया गया होता है। यहां पर देखा देखिएगा, पहली क्लास इफ वाली क्लास जो होगी ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस कोई यहां पर कॉम्प्लीमेंट, यहां पर रिच दिया है, ठीक है, यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई नाउन भी दे सकता है कॉम्प्लीमेंट। दूसरी वाली क्लास जो बनेगी उसमें क्या बनेगा, प्लस सेम सब्जेक्ट होगा आपका, प्लस क्या होगा, वुड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, वुड प्लस बी वन का यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो रहा है, इफ आई वर रिच, मैं अगर अमीर होता तो मैं पूरे आई ट्रेवल अलॉट, मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करता, यात्रा करता। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है रिगार्डिंग टू दिस कंडीशनल सेंटेंस, आई वुड ट्रेवल अलॉट, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ही ऑप्शन। बोर्ड से हट जाएं, बोर्ड पे तो हटे हैं भाई, बोर्ड से एकदम, मैं कहाँ बोर्ड के सामने हूँ, कुछ लोग तो ऐसा ही कमेंट फालतू ही कर देते हैं ना, एकदम बोर्ड के सामने से मैं हटा हूँ, आपको क्लियर दिख रहा है, मैं एकदम साइड में हूँ। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी लोग अपने अपने लेवल पर शेयर कर दीजिए भाई, ना तो अभी तक कुछ लोगों ने शेयर किया है ना तो क्लास को लाइक किया है, है ना, लाइक डिसलाइक जो भी करना चाहते हैं डजंट मैटर, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि 25 दिसंबर टेट का कोर्स कंप्लीट करवा दें सर, ये मैसेज पहुंचा दीजिए। बिल्कुल मैं बोल देता हूं एक बार क्या है 25 दिसंबर का मामला। ममता यादव सर, ऐप पे ना तो आप रिप्लाई देते हैं और ना ही यूट्यूब पर, रिप्लाई तो करते हैं भाई, रिप्लाई ऐसा तो है नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं करता होगा। एक बार शेयर करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, शेयर करिए सभी लोग, शेयर करेंगे सभी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्यों नहीं पास होंगे। चलिए हो गया, आप लोग शेयर कर चुके हैं आई थिंक सो, मुझे अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए, है ना, आप लोग शेयर कर चुके होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर।
आ रहा है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, दे एपोलाइज्ड मीन्स को होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना, मी फॉर व्हाट हैपेंड किसके लिए, एपोलोजाइड का हिंदी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो एपोलोजाइज्ड टू होता है, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, एपोलोजाइज्ड टू मी फॉर व्हाट हैपेंड किसके लिए, वो मुझसे शर्मिंदा है जो हुआ उसके लिए, तो यहाँ पर जो एपोलोजाइज के साथ फॉर्म यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन में टू आपका यूज होगा, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही है, 5 का सी नहीं, विथ नहीं, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, टू वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ये जो भी आपके फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, इसे एक कॉपी लेकर के आप लोग नोट भी करते चलिए, ये जितने भी फिक्स प्रेपोजिशन है इन्हें आप क्या करेंगे पता, इन्हें आप एक कॉपी ले लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, है ना, इन्हें नोट करते चलिए, ये आपके लिए भविष्य के लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है, एपोलोजाइज टू हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ये आगे भी काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, आई वुड हैड की जगह पे हैड होना चाहिए, आई वुड हैड कमिट माई सेल्फ दैट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है क्रियाविधि, क्या होता है क्रियाविधि, क्रिया विधि क्या हो जाएगा, क्रियाविधि, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, कमिट माई सेल्फ टू दैट कोर्स ऑफ एक्शन, यहां भी टू का यूज करेंगे, ये भी क्या होगा, कमिटेड टू होता है, हमेशा कमिट के साथ किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, आई वुड हैड कमिट माई सेल्फ, यहां पर क्या हो जाएगा, टू, कमिट टू होता है, याद रखिए कमिट के साथ भी टू लगता है, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो टू ही होगा, इसे लिखते चलिए, कमिट टू, अपोलोजाइज टू, है ना, जो भी आते हैं आपके उसके ऊपर लिखते चलिए, नोट करते चलिए, यस नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना, इसे नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसे, यस आगे चलेंगे, जी हाँ आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर, ही हैड, अब देखिए इसमें से जितने वर्ड्स हैं, स्पोकन फॉर 2 मिनट्स, वो 2 मिनट के लिए बोला ही था, व्हेन देयर वाज अ कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हलचल, वो 2 मिनट के लिए बोला ही था कि भीड़ में हलचल मच गई, और आपको याद होना चाहिए अगर यहाँ पर वेन है तो वेन के साथ जो टर्न बनता है वो क्या बनता है, वो हार्डली बनता है, ही हैड हार्डली, वो मुश्किल से, हार्डली का मतलब मुश्किल से बोला ही था, क्या 2 मिनट बोला ही था कि भीड़ में, कि जब क्या हो गया, भीड़ में हलचल मच गई, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हार्डली, हार्डली के साथ वेन का यूज करते हैं, पेयर याद होगा तो आप सही कर पाएंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 7 क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल बी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, जी हाँ बिल्कुल मुस्कुराइए, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट में हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ही प्रेशर नहीं लेना, लिखते भी चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप जब प्रैक्टिस करिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे मैंने आपको बताया तो लिख लीजिए हार्डली के साथ वेन, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, नो सुनर के साथ देन, बिल्कुल हार्डली के साथ वेन, नो सुनर के साथ देन, ईदर के साथ आर, नीदर के साथ नार, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऐसे ही सारे, लेस के साथ शुड, ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, सम ऑफ देम नहीं होता है, उनमें से कुछ नहीं होता है, एवरी ऑफ देम, एवरी का यूज प्रोनाउन में नहीं करते, ये एडजेक्टिव होता है, यहां पर प्रोनाउन आपको फिल करना है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे, ईच वन जैसा वर्ड कभी सुना है, ईच वन जैसा वर्ड ही नहीं होता है, बचा क्या, एवरी वन बचा, बचा क्या आपका, एवरी वन बचा, ईच वन जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है,
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज एवरी वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते चलिए, देखते चलिए क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड भी करते चलिए, जल्दी जल्दी से करते चलिए, है ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल सही जवाब है एवरीवन, बिल्कुल सही जवाब है एवरीवन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आर्टिकल का क्वेश्चन आपको बताना है। यहां पर देखिए लिखा है यूजफुल, यू से आया है, कंफ्यूज करना चाहता है, और आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी शब्द का उच्चारण या से होता है, यूज या से पढ़ा जाता है, या से होगा तो उसके पहले अन लगाएंगे, आधा तो कोई चांस नहीं है। अगर या से पढ़ते हैं, याद रखिएगा आर्टिकल के बारे में, अगर किसी शब्द का उच्चारण का से ज्ञा के बीच से प्रारंभ होने वाले शब्दों से होता है तो उसके पहले आ का यूज करते हैं, और किसी शब्द का उच्चारण आ से आहा के बीच प्रारंभ होने वाले अक्षरों से होता है तो उसके पहले अन का यूज करते हैं। देखिए यूज जो है या से स्टार्ट हुआ है, और या से स्टार्ट होगा यानी का से ज्ञा के बीच में है, और का से ज्ञा के बीच में स्टार्ट होगा तो बताइए जरा, यहां पर आ का यूज करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है आपका, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। यहां पर जिनका भी आंसर, जिनका भी आंसर ए है, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, आ यूजफुल होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लिश इज इजी, देखिए इजी किससे स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, और अभी मैंने आपसे कहा आ से आहा के बीच आएगा तो क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, और ई आ से आहा के बीच जाता है तो यहां पर देखिए इजी लिख रहे हैं आप, इजी लिख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इंग्लिश इज अन इजी लैंग्वेज, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन से पैसेज और वोकैब भी कराएंगे, बिल्कुल सारी चीजें कराएंगे, थोड़ा सा ग्रामर पे आप लोग टैकल कर लीजिए, ठीक है, ग्रामर पे टैकल कर लीजिए, फिर यहां पर पैसेज भी करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने अभी भी, कुछ डियर स्टूडेंट्स ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जाने क्या बात है, हाथ में दर्द है या जो भी हो, जो भी रीजन है आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए। देखिए जब एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे आप, आ रही होंगी चीजें तो बिल्कुल आप शेयर करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर प्लीज डू नॉट गिव मी एनी मोर आई हैव हैड, इसके बाद फिल करना था, यहाँ पर फिलर है, प्लीज डू नॉट गिव मी एनी मोर, मुझे और कुछ मत दीजिए, आई हैव हैड, मेरे पास क्या है, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास कुछ नहीं है, लिटिल फ्यू का मतलब होता है, यहाँ पर क्या है, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ, लेकिन ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, टू लिटिल का मतलब उतना अधिक कि जितना नहीं, ठीक है, ये भी, ये तीनों नहीं होंगे, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज और क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है, तो सही ऑप्शन क्या लगाएंगे बताइए, बिल्कुल यहाँ पर इनफ इज करेक्ट आंसर, इनफ इज करेक्ट, डी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पर आई हैव हैड इनफ, यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर 12 क्वेश्चन आ रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को देख चुका हूं, यहां पर देखिए फिलर यहां पर है, फिलर यहां पर है लास्ट में, फुल स्टॉप नहीं है, यहां पर आपको बताना है, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस एगो बिफोर सिंस मच, सिंस और मच का तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, एगो और बिफोर में आपको चूज करना है यानी पहले ही देख चुके हैं, तो एगो आपका तब होता है जब वहां पर आपको कोई
पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। यहाँ पर दिस प्लेस की बात कर रहा है तो यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं, बिफोर का यूज करेंगे, पहले देख चुके हैं, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, हम इस प्लेस को पहले ही विजिट कर चुके हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा, बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। 12 का बी आंसर आपका सही है, जी हाँ बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट आ रहा है आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। 12 के बाद बात करेंगे, 13 की बात करें अगर, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यहां पर देखिए फिलर, यहां पर खाली स्थान होना चाहिए, यहां पर खाली स्थान है, द नहीं, यहां पर खाली स्थान है, दिस इज द गर्ल, टीचर पनिश्ड हिम, ये वही लड़की है जिसे टीचर ने क्या किया, पनिश किया। देखिए टीचर ऑलरेडी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दिया है, टुडे तो टाइम है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और आपको मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हु जो होता है, देखिए हु जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि टीचर ऑलरेडी सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हुम होता है, रिलेशन बताने वाला जो टर्म होता है, जो रिलेशन बताने वाला टर्म होता है वो क्या होता है, हुम होता है, और जो आपका पजेसिव होता है वो आपका क्या होता है, वो हुज होता है। वेन का यूज करने की जरूरत नहीं, देखिए जब आपका टीचर ऑलरेडी है, टीचर पनिश टूडे, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं लगा, हु तो नहीं होगा, फिर आप देखें यहाँ पर हुज यानी किसी का रिलेशन नहीं बता रहा है, हुज टीचर पनिश टूडे यानी वही लड़की, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट आपका हुम होगा, ये वही लड़की है जिसे टीचर ने आज पनिश किया है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही, होम सही होगा, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिनका भी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन जितने भी डियर स्टूडेंट्स का है उनका सही आंसर है, बहुत सही आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं। लास्टली आपको बताना है स्कोर कितना, कुछ लोग बोलते हैं सर काउंट नहीं किया, इट्स नॉट गुड थिंग, आप अगर काउंट नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता हमारा लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, आपको काउंट करना चाहिए, है ना, काउंट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर 14 नंबर का क्वेश्चन, ए स्टूडेंट विल फेल, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, यहां पर इफ के साथ जुड़ी वाली क्लास जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और उसके अलावा जो क्लास होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, तो यहां पर देखना है आपको पहली वाली क्लास जो है, पहली वाली जो क्लास है वो स्टूडेंट विल फेल, एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाली पहले दे दिया, फिर आपको प्रेजेंट वाली क्लास खोजनी है, तो ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इफ का यूज करेंगे, एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, तो फिक्स होता है आपका, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सही जवाब जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, नहीं डियर स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट फील बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वह नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इफ के साथ ये वाली क्लास, और ये आपकी फ्यूचर में ये फिक्स स्ट्रक्चर है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी वजह से यहां पर इफ का ही यूज करेंगे। क्लियर है सभी को, बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, वो फिक्स स्ट्रक्चर से ही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, 14 का ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए बताते चलिएगा, देखते चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आपके आ गया है, ऑफ दीज पेंस विल यू टेक, देखिए जब भी चुनने की बात होगी तो चुनने के लिए पहली चीज तो पेन है तो निर्जीव है, निर्जीव के लिए हु हुम हुज का यूज नहीं करते, पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और जब चुनने की बात करेंगे
चुनने की बात करेंगे तो विच ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक, इन पेन में से कौन सी पेन आप लेंगे, तो चुनने के लिए हमेशा विच का यूज होता है, याद कर रखिएगा। और यहाँ पर निर्जीव की बात हो रही है, निर्जीव के लिए भी विच का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यस विच ही होना चाहिए। विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर 16 नंबर का क्वेश्चन आपके, करते चलेंगे जल्दी जल्दी आंसर देते चलेंगे सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स, और मुस्कुराते भी रहें, क्वेश्चन का आंसर भी देते रहें। देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है, सब्जेक्ट के बगल में आया है तो ये आपका जब सब्जेक्ट के बगल में सेल्फ वाला प्रोनाउन लगता है तो ये कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी इम्फैटिक का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट के बगल सेल्फ वाला प्रोनाउन लगता है तो इसे कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। और इम्फैटिक का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इम्फैटिक प्रोनाउन इसे कहते हैं, इम्फैटिक क्या होता है, दबाव होता है, दबाव बनाता है। तो आपने कहा मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, आई सॉल्व, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन अब यहां पर दबाव बनाना है तो आई के लिए किसका यूज करेंगे, माई सेल्फ का यूज करेंगे। माई सेल्स नहीं होता है क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, आर सेल्स वी के लिए यूज करते हैं, सॉरी यहां पर आर सेल्फ किसके लिए करेंगे, वी के लिए आर सेल्फ होता ही नहीं है, तो सही जो आंसर होगा वो माई सेल्फ होगा, आई माई सेल्फ सॉल्व, मैंने खुद इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। ये है क्या, ये इम्फैटिक प्रोनाउन बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, जी हाँ बिल्कुल, यहां पर सही जो आंसर है आपका वो बी वाला ही आंसर सही है, 16 का बी वाला आंसर आपका सही है, बी सही आंसर है। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड स्टोरी। देखिए आपको याद रखना है स्टोरी का प्लूरल क्या होगा। देखिए जब किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले का लेटर कोई वॉवेल हो तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं। एक होता है स्टोरी कहानी वाला, वो होता है एस टी ओ आर वाई स्टोरी, ये क्या होता है कहानी होता है। एक स्टोरी होता है मंजिल वाला जिसे तल बोलते हैं, ये मंजिल वाला है आपका, ये मंजिल वाला है। और यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर वाई है, वाई से ठीक पहले का लेटर ई क्या है, वाउल है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन सी वाला स्टोरीज, क्वेश्चन नंबर 17 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल 17 का सी आंसर सही है, बिल्कुल नहीं ए वाला आंसर गलत है, जिनका भी ए है गलत है, वो स्टोरी ध्यान से देखें, ये स्टोरी एस टी आर ई वाई है, यहाँ पर देखें ई वाई है, ध्यान से देखिए ई वाई है ना, अगर ई वाई है तो आई, देखिए ध्यान से देखना है, स्टोरी दो होता है, कहानी वाला ये वाला और एक स्टोरी मंजिल वाला, तो ये मंजिल वाला है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलें देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता हुआ, फाइंड द सिंगुलर ऑफ द वर्ड एल्फ। एल्फ का मतलब होता है जादुई बौना या परी, ऐसा कुछ बोलते हैं, जादुई बौना, अगर हिंदी में बोलने तो क्या बोलेंगे, जादुई बौना, बौने होते हैं जो उड़ते हैं, है ना, उसे कहते हैं एल्फ, उसे कहते हैं एल्फ। और एल्फ जो है, देखिए वर्ड का लास्ट लेटर अगर एफ होता है तो एफ को हटा कर जोड़ते हैं वी एस, और यहां पर एक वर्ड क्या है एल्फ, एल्फ का एफ हटा के जोड़े हैं बी एस तो बना है एल्फ। सही ऑप्शन जो है आपका वो ए वाला है, यहाँ पर 18 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यस डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर
19 नंबर का क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो आप लोग ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं कि जो बात नहीं हो सकती उसको कैसे पूरा कर सकते हैं ना। अब कोई कमेंट कर रहा है सर नंबर दे दीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सी एस, देखिए यहाँ पर दिया गया है जैक एस, देखिए एस होता है ये न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, लेकिन जैक अगर लगा दिया तो जैक का मतलब होता है गधा, और इसका जब फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे वो क्या बनेगा, जेन्नी एस, क्या बनेगा, जेन्नी एस, एस ही बनेगा, जैक का क्या बन जाएगा, जेन्नी एस, अगर ही एस होता तो शी एस बनाते, गधा का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर गधी हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है, जैक का जेन्नी बनता है फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन ही आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, 20th क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द मैस्कुलाइन ऑफ द वर्ड जैरीना, फाइंड द मैस्कुलाइन ऑफ वर्ड जैरीना, जैरीना का मतलब होता है, देखिए रूस में, रूस में रानी को क्या बोलते हैं, जरीना बोलते हैं, और इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो जार होता है, फ्रियर का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी, किंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, राजा, और टेस्टेटर का मतलब होता है वसीयत करता, जो वसीयत करते हैं ना, वसीयत नामा, जो वसीयत करता है उसे टेस्टेटर, और जो वसीयत करती है उसे टेस्टाट्रिक्स कहते हैं, इसका फेमिनाइन जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेस्टा लिख देते हैं, इसका जो फेमिनाइन बनेगा वो क्या बनेगा, टेस्टा ट्रिक्स बनेगा, टेस्टा ट्रिक्स बनेगा, इसका जो फेमिनाइन बनेगा वो कीन बनेगा, फ्रियर का जो फ्रियर का फेमिनाइन बनेगा वो नन बनेगा, फ्रियर या मॉन्क बोलते हैं, जरीना का जो मैस्कुलाइन बनेगा वो जार बने, जार का फेमिनाइन जरीना, फ्रियर का नन, किंग का क्वीन, टेस्टाटर का टेस्टा ट्रिक्स, सॉरी यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन है, वन सेकंड लिख देते हैं क्लियर, थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन है, इसका जो फेमिनाइन बनेगा वो क्या बनेगा, टेस्टा ट्रिक्स ये होगा, ठीक है, तो ये 20 का जो सही ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट की बात करें, कौन सा जूनियर में आया था, जार जूनियर में आया था, है ना, चलिए जार जूनियर में आया था ये, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर, यहां आपको दिया गया नॉट लेस देन अ डजन इंजर्ड, नॉट लेस देन डजन यानी एक दर्जन से कम नहीं थे जो घायल हुए, यानी अगर एक दर्जन थे, नॉट लेस देन अ डजन यानी एक दर्जन से कम नहीं थे जो घायल हुए, जब एक दर्जन से कम नहीं थे तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और यहां पर देखें जब पास की हो रही, इंजर्ड बन रहा है, पास बन रहा है, तो पैसिव वाइज बनाएंगे तो पास की टेंस की बात करेंगे, तो यहां पर जो सही बनेगा आपका वर का यूज करेंगे, तो 21 का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, टेस्टाटर का टेस्टा ट्रिक्स बनता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखें आपका आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करना है आप सभी को, ये सभी क्या दिए गए हैं, ये आपको दिया गया है फेमिनाइन जेंडर, और इसको करना है क्या, इसका मैस्कुलाइन आपको करना है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, देखिए यहां पर फाइंड द फेमिनाइन ऑफ वर्ड बुलक, बुलक का मतलब क्या होता है, शांड, शांड,
शांड। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी। ये आपके सुपरटेट, सुपरटेट 68,500, ये 68,500 में पूछा गया था। 68,500 वाली जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बी का मैस्कुलाइन जेंडर पूछा गया था, क्या होता है? ड्रोन। डो का मतलब क्या होता है? डो का मतलब हिरण होता है। इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो क्या होता है? बक। बक मीन्स होता है हिरण। सो का मतलब होता है सुअर, और इसका जो फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर तो बोर होता है। अवस्था कौन सा है? बोर का ये होता है सुअर, ये हिरण, वो मधुमक्खी। अब बचा कौन सा? हीफर, यानी बुलक का, यानी सांड का जो फेमिनाइन जेंडर होता है क्या होता है? हीफर होता है, यानी बछड़ी। क्या बोल सकते हैं? बछड़ी बोल सकते हैं, यानी सांड का साड़ी नहीं बोल सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस इतना याद रखना, बुलक का फेमिनाइन क्या बनेगा? हीफर बनेगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसको तो याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए, जब बी, बी का मतलब मधुमक्खी काट देगी तो क्या करेंगे? ड्रोन, यहां पर रोने लगेंगे, रोने आ रहा है ना, डी को हटा दीजिए तो रोने लगेंगे। बक को याद करिए, बक दो, बक से दो, बक दो, ऐसे याद कर सकते हो। सो का बोर, ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए बार बार कमेंट आ रहे सर अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएं, कोई तरीका? आप कोचिंग के नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो आपको लाइन पे लेकर के बात कर सकते हैं। एंड और मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता है कि आप आगे सर से बात कर सके, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर। फाइंड द मैस्कुलाइन ऑफ द वर्ड वोटरेस। वोटरेस ये फेमिनाइन जेंडर, इसका मैस्कुलाइन आपको बताना है। वैसराय, वाइसराय, ये वर्ड लिखा है वाइसराय, वाइसराय सो जाए, इसका फेमिनाइन नहीं बने। वाइसराय होते ना अंग्रेजों के, वाइसराय, वाइसराय लिखा हुआ है। और हार्ड का मतलब क्या होता है? हिरण। और हार्ड का फेमिनाइन क्या बनता है? रो। बक का क्या बनता है? अभी आया था डो। दोनों का मतलब हिरण ही होता है, काला हिरण, लाल हिरण, ऐसे करके हिरण होते हैं, उसकी डियर की कैटेगरी होती है। और वोटरे, वेटर जो आपका वोटरेस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समर्थक, समर्थक, ये इसका मतलब होता है समर्थक, अनुयायी, है ना, किसी का समर्थक, किसी के अनुयायी, किसी के पीछे चलने वाला, है ना। तो वोटरेस का जो, वोटरेस का जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो वोटरी होगा। यहाँ पर ये आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है। वेरी नाइस, बहुत करेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग। एक और फिर से शेयर करिए यार, एक दो क्वेश्चन बचे हैं। पैसेज करवा देंगे, पैसेज भी करा देंगे, पैसेज के तरीके भी बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, पैसेज भी करा देंगे। एक बार फिर से शेयर कर दो यार, लाइक करने में हाथ दर्द करता है क्या? कुछ स्टूडेंट लाइक, अरे डिसलाइक ही कर दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ तो करो ना, कुछ तो करो, लाइक या डिसलाइक कुछ तो पता चलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर। लॉन्ग लिव द काइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लॉन्ग लिव द काइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल है आपको बताना है, लॉन्ग लिव द काइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पर देखिए कामना की बात हो रही है, कामना का मतलब होता है कामना सूचक वाक्य की बात हो रही है। सीधा सीधा यहां पर क्या बनेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका बनेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं, कामना की बात हो रही है। कामना सूचक वाक्यों में भी यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल 24 का सी ऑप्शन से, असर्टिव सेंटेंस नहीं, असर्टिव सेंटेंस में कुछ निश्चित होता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। एंड एक्सक्लेमेशन नहीं है, आश्चर्य नहीं बताया जा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ओपनिंग द अलमीरा, अलमीरा को खोलते ही ही टुक आउट ऑफ अ फाइल द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन में ओपनिंग में अंडरलाइन किया गया है,
फाइनाइट फॉर्म नहीं है वर्ब का, क्यों नहीं, फाइनाइट चेंज होता है। इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है 2+V1 होता है, जेरेंड जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। ओपनिंग यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या जब कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन को क्वालिफाई कराए, देखें ओपनिंग द अलमीरा, अलमीरा को खोलते ही तो क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ पूरे आल क्वेश्चन, जेरंड नहीं है, जेरंड नहीं है, इट्स नॉट जेरंड। जेरंड अगर होता डियर स्टूडेंट, जेरंड अगर होता तो जेरंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जेरंड क्या बनता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो सारे डियर स्टूडेंट्स बताएंगे, आप सभी लोग एक बार, सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी मेरे जितने भी अपने जुड़े हैं क्लास में, वो सभी लोग बताएंगे किसके हुए कितने क्वेश्चन सही। आप अपना अपना फीडबैक बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, तैयारी किसकी क्या चल रही, इससे आप हम लोग जज करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी, आप जज खुद कर पाते हैं आपकी तैयारी किसकी कितनी है। काउंट करते चला करिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोग ये जरूर बताएं, आप लोग ये जरूर बताएं क्लास कैसी रही, सारी चीज़ें एवरीथिंग, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।